ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਪੂਰਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਜਰ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਲ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਸ਼ਿਵਨ ਜੀ ਤੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੋਈ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पंजाब के विशेष तौर पर जलंधर के मीडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। ये वो शहर है जहां पर अगर हम कहें मीडिया का हब कहीं है तो जलंधर में है। खेलों की नगरी भी है, वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ अलग अलग तरह के खेल शुरू हो गए। और वो खेल चाहे नशे के व्यापार का हो, खेल फिरौती का हो, खेल यहाँ पर गैंग वॉर का हो, माफिया का हो, भ्रष्टाचार का हो, आम आदमी पार्टी ने नशा मुक्त पंजाब करने की बात कही थी, नशा युक्त करने का काम किया है। चिट्टा हो या हर तरह के नशे हो, दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनकी शराब नीति से शर्मसार आम आदमी पार्टी हुई। आजादी के बाद शायद ये पहला राजनीतिक दल ऐसा होगा जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में और कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। पंजाब में सरकार बनने के 2 महीनों के अंदर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाता है भ्रष्टाचार के आरोप लगते, मुख्यमंत्री जेल में है दिल्ली का, लेकिन फेविकोल का जोड़ है कुर्सी से छूटता नहीं है, इस्तीफा नहीं देते। तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं अपने आप को बेल लेने के लिए। आप याद करिए, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं, और वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए हैं जी। वो कहते थे इस कुर्सी में कुछ खोट है हर कोई बेईमान हो जाता है, और कोई हुआ हो ना हो अरविंद केजरीवाल जी उनकी पार्टी जरूर हो गई है। यही नहीं, पंजाब में ये कांग्रेस को कहते हैं हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में क्या है, पंजाब में भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहते हैं हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में हम साथ साथ हैं। यहां पे कांग्रेस के कपड़े फाड़ देते हैं बोल के भ्रष्टाचारी पार्टी है, वहां अरविंद केजरीवाल जी गले लगा लेते हैं, सुनीता केजरीवाल जी सोनिया गांधी जी के साथ मंच शेयर कर लेती हैं। आप इस गठबंधन में, और मैं बड़ी गंभीर बात बोलने जा रहा हूं जी, मैं आज तक ये जरूर कहता रहा हूं कि ये गठबंधन नहीं महाठगबंधन है, जहां जेल वाले और बेल वाले इस पार्टी में, इस संगठन में, इस इंडी गठबंधन में है जो अहंकार घमंड और भ्रष्टाचार से, लेकिन देश विरोधी ताकतें भी यहां पर साथ हैं। जो चुनाव के लिए SDPI PFI जैसे संगठनों का समर्थन ले ले,
और वायनाड का चुनाव लड़ने के लिए इतनी मजबूरी हो जाए, देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करा लें और दिल्ली से टुकड़े करने वालों को टिकट दे दें। पंजाब के चुनाव आए तो पंजाब विरोधी सोच रखने वालों को भारत विरोधी सोच रखने वालों के साथ हाथ मिला लें, उनके साथ बंद कमरे में गुफ्तगू हो, हर वो ताकतें जो देश के खिलाफ हैं उनके साथ इनके गठबंधन दिखते हैं। और अब जब दुनिया भर पे युद्ध का संकट है, इसराइल फिलिस्तीन, इसराइल हमास, इसराइल ईरान, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में तनाव है, तब ये कहते हैं राहुल गांधी जी कि परमाणु हथियारों को समाप्त कर दिया जाए। अरे देश को मजबूत नेतृत्व और मजबूत सेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6800 किलोमीटर 6800 किलोमीटर बॉर्डर पे सड़कें बनी है, सीमाएं सरहद और सुरक्षित हुई है, सेना सशक्त हुई है और आत्मनिर्भर भारत के बल पर हमारी सेना को रक्षा उत्पादन भी भारत का मिला है। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बने। आज तेजस एयरक्राफ्ट हो, रफेल विमान हो, ब्रह्मोस मिसाइल से लेके अन्य लेटेस्ट मिसाइलों आज भारत खुद बना रहा है। दूसरा, मैं देख रहा हूं बड़े कैमरों की बजाय सबके हाथ में मोबाइल फोन है। यहां से 6 साल पहले चाइना से आते थे, वियतनाम से आते थे, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, आज सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया। आत्मनिर्भर भारत, 4,00,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल केवल मोबाइल फोन की हुई है और एप्पल जैसी आईफोन वाली कंपनी ने आगे 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी, 1,20,000 करोड़ का उत्पादन एक्सपोर्ट किया। ये तो एक सैंपल है, टॉयस खिलौने दुनिया से आते थे, आज 85-87% हिंदुस्तान में बनते, मोबाइल फोन 99% हिंदुस्तान में बनते हैं, मरीन एक्सपोर्ट 5 बिलियन से 9 बिलियन हो गया। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोदी सरकार में एक और देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, सेना मजबूत हुई, व्यापार और बड़ा, हम दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लेकिन देश में विकास भी हुआ तो विरासत को भी बल मिला। और मैं पंजाब में एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नेहरू जी की गलती के कारण करतारपुर कॉरिडोर और हमारा गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा क्यों नहीं मिल पाया, क्यों दूरबीन लगा के दर्शन करने पड़ते थे। नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनवाया, अफगानिस्तान में सिखों पर आपदा आई तो वहां पर 3-3 जहाज भेजकर 3 बार गुरु ग्रंथ साहब और सैकड़ों सिख परिवारों को वापस बुलाया गया, सुरक्षित लाया गया। यही नहीं, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का, 400 गुरु तेग बहादुर जी का, पूरे धूमधाम में जी देश के हर राजभवन से लेके अलग अलग स्थानों पे मनाया गया। वीर बाल दिवस, साहबजादों की शहादत पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, 84 के दंगों में SIT की जांच बिठाना, सिख परिवारों को न्याय दिलाना मोदी सरकार ने किया। मेरा अनुरोध अपने किसान भाइयों से भी है, जरा आंकड़े उठाकर देखिए, कांग्रेस ने 10 साल 2004 से 14 तक 5.5 लाख करोड़ रुपए की MSP में खरीद की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपए की खरीद की है, 18,40,000 करोड़, 3 गुना से ज्यादा। और मैं गेहूं का कहूं तो गेहूं 2,80,000 करोड़ का खरीदा कांग्रेस ने, हमने 12,84,000 करोड़ का खरीदा है। किसान सम्मान निधि कांग्रेस के समय 0, 0, नरेंद्र मोदी की सरकार के समय 3 लाख करोड़ रुपए की दी गई, हर साल 6,000 रुपया। इनके समय खाद की दिक्कत आती थी, किल्लत थी, मिलती नहीं थी, लाठियां पड़ती थी, 10 साल में एक दिन बताइए कभी खाद की कमी हो तो। पिछले 5 सालों में अगर खाद के दाम ऊपर नीचे दुनिया में हुए, हमने बढ़ने नहीं दिए, 3-3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी साल दी। फसल बीमा योजना में 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी हमने दी है, 1,54,000 करोड़ की, कांग्रेस के समय कुछ नहीं मिला जी। बैंकों से पैसा 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला किसानों को,
हमारे समय 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल मिला है, 3 गुना ज्यादा। सिंचाई योजनाओं को हमने बल दिया, अन्य सुविधाएं हमने बनाई। कांग्रेस के समय कृषि का बजट, खेती बाड़ी का बजट था 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में, आज 1,25,000 करोड़ है। मैं खुले मन से चुनौती देता हूं कांग्रेस को और किसी भी राजनीतिक दल को, इन आंकड़ों को देख लीजिए। मोदी सरकार का किसानों के प्रति खरीद भी दुगनी की, दाम भी दुगना किया। कांग्रेस ने तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया इन्होंने, इन्होंने तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की। 60 साल जिस पार्टी ने राज किया हो, कहां वो? हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए 2014 से लेके आज, गेहूं और धान के दाम देख लीजिए, दलहन तिलहन की खरीद देख लीजिए। लेकिन क्या है, कुछ लोगों को राजनीति करने के लिए भ्रम फैलाते हैं लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं। दूसरा, पंजाब की जब मैं बात करूं, चाहे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर हो, हजार हजार करोड़ रुपए के फ्लाईओवर हो, हजारों करोड़ रुपए की सड़कें हो, वंदे भारत ट्रेनों से लेके बाकी सब, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया जी। एक तुलना मैं आपको छोटी सी करके बताता हूं, आपको पता चल जाएगा अंतर क्या है। 2014 में, यानी कि 70 साल का खाता ले लेंगे, आजादी से पहले का भी और बाद का भी, तो 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,86,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत है। 30,000 किलोमीटर रेलवे लाइन हमने पिछले 5 साल में बनाई, जो जर्मनी से ज्यादा है। अगले 5 सालों में हर साल 5,000 किलोमीटर बनाएंगे, जो स्विट्जरलैंड से ज्यादा हर साल बनाएंगे। ये मोदी सरकार है। केवल 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 16 IIM थे, आज 23 IIM है। 12 IIT थे, आज 19 IIT है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। 484 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। ये विकास है। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, अब 3 करोड़ गरीबों को पक्के मकान और बनाकर देंगे। 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में दिया, अब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाकर देंगे। 1 को हमने बना दिया, 1 करोड़ को। मैं ये सब बातें आपके सामने इसलिए बता रहा हूं, ये आंकड़े आपको बताएंगे कि पंजाब को भी क्या दिया। अगर मैं विशेष तौर पर सिख समुदाय की बात करूं, किसानों की बात करूं, बाकी समाज की बात करूं, या अपने सूबे की बात करूं, पंजाब के लिए, देश के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, वो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, जो मोदी ने 10 साल में करके दिया है। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, अब रेल भी जो रोक दी गई है वहां पे। मेरा आग्रह किसान भाइयों से इतना ही रहेगा, किसान हितैषी कोई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिन्होंने किसानों के लिए बात सुनी भी, कमेटी बनाई भी, वार्ता भी की, चर्चा भी की और निर्णय भी किए, अधिकतर मांगे स्वीकार भी की। और मैंने तुलना करके बताया, कांग्रेस ने 10 साल में सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की खरीद की, हमने 18 लाख करोड़ की खरीद की है। 1.5 लाख करोड़ का तो मुआवजा दिया है फसल बीमा योजना में, और 3 लाख करोड़ रुपये हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया, जिसमें पंजाब के किसानों का भी एक बहुत बड़ा शेयर है। मुझे लगता है आप जैसे मेरे भाई इस गैप को फिल कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब हमने खाद की कमी नहीं आने दी, हमने खरीद की कोई कमी नहीं आने दी, हमने दाम बढ़ने में कोई कमी नहीं आने दी। याद करिए, कांग्रेस के टाइम पे गन्ना कितना पैसा बकाया था जी, ये मोदी सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए दिया के, आज किसानों के खाते में डीबीटी आता है। यही गैप है कि जो मैं बात उन तक पहुंचाना पा रहा हूं, कुछ लोग समझते भी हैं, बहुत सारे लोग अच्छी तरह जानते भी हैं, लेकिन कई बार राजनीति उस पर हावी हो जाती है। आज मेरे किसान भाई को राजनीति के लिए किसी को उपयोग नहीं करना चाहिए, वो देश का अंग आता है। प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान, और नारी यानी कि महिला। दूरदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, केसरी रंग
केसरी से ना जाने इनको नफरत क्या है, और ममता जी का केसरी प्रेम तो सब जानते हैं, राहुल जी वगैरह का भी केसरी प्रेम सबने जाना, लेकिन कोई इतिहास में थोड़ा डुबकी लगा के देख के थोड़ा गहराई में जाए, जब इंदिरा जी आईन भी मंत्री थी जो आज मैं हूं, तो उस समय लोगों किसने चुना था? इंदिरा जी ने दूरदर्शन का लोगो चुना था, जो आई वाला डिजाइन है एनआईडी का है, मिस्टर भट्टाचार्य करके शायद उस समय थे। और जब ये दूरदर्शन कलर टीवी हो गया, इनके कलर में आने शुरू हो गए, तब इसका कलर क्या था? देखिए, लोग विपक्ष से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें वो करते हैं, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोचते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन लेते हैं, वो कोई आगे बढ़ने की बात नहीं, रोने धोने का काम करते हैं, इसलिए उनके शायद लोग निराश हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप अपनी पार्टी से निराश हो सकते हो, विचारधारा से निराश हो सकते हो, लेकिन देश के लिए बड़ी संख्या में आके वोट दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। पहला चरण जो है, पहला चरण वोटिंग का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। मैं मुरादाबाद, अमरोहा वगैरह सारी जगह पे मैंने कार्यक्रम किए, मैं मीटिंगें भी लेकर आया हूँ, मेरी बात भी वहाँ पे हुई, बहुत शानदार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। कुछ लोग गुमराह जरूर करेंगे जैसे पिछले चुनाव करते थे। आज कांग्रेस 40 पार करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का इतिहास रचने जा रही है। मैं इसको राजनीति के साथ जोड़ के इसलिए नहीं गिन रहा हूं, मैं तो अपने किसान भाइयों से एक आग्रह कर रहा हूं कि अगर हमने खाद की कमी नहीं आने दी, खाद की कीमत नहीं बढ़ने दी, आपकी खरीद पूरी की, आपके खरीद के दाम भी पूरे दिए, आपके खातों में पैसा भी डाला, आपको मुआवजा भी मिला, आपको किसान सम्मान निधि भी मिली, अगर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, तो फिर ये विरोध क्यों? पहला ये। दूसरा, और मैं आपको थोड़ा सा गंभीरता से सोचना, मैं एक मिनट आपके इस पे ज्यादा जरूर लूंगा। 2014 में विपक्ष ने क्या कहा, मोदी आएगा तो मुसलमान खत्म हो जाएगा, कहा नहीं कहा? क्या हुआ? हुआ कुछ? 10 साल हो गए, हुआ कुछ? क्या मेरा सवाल है, हुआ कुछ? नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा ये तो चाय बेचने वाला देश क्या चलाएगा, क्या हुआ? देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। अब ये कहते हैं मोदी 400 सीट से जीत जाएगा तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। 62 times अगर संविधान में बदलाव किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने 62 times। और राजीव गांधी जी का वीडियो बार बार चलता है, मैं एक बार नहीं बार बार संविधान बदलूंगा, बार बार कहते हैं राजीव जी। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी इकलौते व्यक्ति हैं जो आए, संसद की पहली सीढ़ी पर शीश झुकाया, दूसरा शीश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर झुकाया और कहा कि मैं संविधान के अनुसार सबका साथ सबका विकास करूंगा। दूसरा, हमने संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर को, हर साल मनाते हैं, पंचतीर्थ बनाया जहां पे जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थान जहां पर अंबेडकर जी के जन्म, शिक्षा, दीक्षा से लेकर चैत्य भूमि तक सब में किया, और उनके अवकाश भी हमने उनके नाम पे दिया। आज अगर 71% जिनको लाभ मिलता है एससी एसटी ओबीसी है फसल बीमा योजना के, 80% है जिनको मिलता है क्या, किसान सम्मान निधि, 51% है जिनको मुद्रा योजना का लाभ मिला है जो बैंक से लोन मिले, मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए ये लोग भ्रम फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, लोकतंत्र को खतरा नहीं, एंटी सनातनी को खतरा है, एंटी भारतीय को खतरा है, जो एंटी हिंदू है उनको खतरा है, ये वो लोग हैं जो समाज और देश के लिए खतरा बनते हैं। बाकी वोट किए हुए आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, दूसरी पार्टी, क्या
देखिए, लोकतंत्र में आपको बिल्कुल भी शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूं क्योंकि जनता जिसको वोट का अधिकार है उसने सोच समझकर वोट दिया, हमें दिया नहीं दिया, किसी और को दिया, जिसको भी दिया। ये लोग अपना जीवन समर्पित समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। और अगर आज देश के निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे पास है, देश की सबसे ज्यादा MP विधायक सरकारें, पार्षद, जिला परिषद हमारे पास है, तो मोदी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, विकास युक्त सरकार को देख के अगर लोग जुड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि अगर आपके थॉट प्रोसेस में चलता तो सारी उम्र तो कांग्रेस ही रहती, फिर तो कांग्रेस रहता, कोई राजनीतिक दल ही नहीं होता भाई साहब। वो आप हमारे ऊपर छोड़िए ना साहब, हम बैठे पार्टी चलाने के लिए, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी चिंता वो नहीं, मेरी चिंता है। मेरी पार्टी का कार्यकर्ता इतने बड़े दिलवाला है कि उसके लिए देश पहले है, देश पहले है, फिर पार्टी है, अंत में स्वयं है। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, ये भारतीय जनता पार्टी है, देश के लिए जीती है। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जी रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म करेंगे, अरे आगे पीछे है कौन जिसके लिए खत्म करेंगे बताइए? आप उसके ऊपर आरोप लगाइए जिसका परिवार की सरकार चल रही हो। ये नरेंद्र मोदी है जो इसके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, जिसने पल पल देश के लिए जिया है, क्षण क्षण देश के लिए जिया है, पाई पाई देश की बचाई, गरीब की भलाई के लिए लगाई, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मुझे एक उदाहरण दो देश में 70 साल में किसने निकाला। आपने वहां पानी तो नहीं पिया ना? किसी ने वहां ट्राई किया था एक बार, मैंने वो वीडियो देखा काफी। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिन्होंने राजनीति को प्रदूषित किया, मैं सिचेवाल जी से इतना ही कहूंगा, अगर प्रदूषण थोड़ा वहां पे कम करें तो थोड़ा आम आदमी पार्टी में भी कम करने का प्रयास करें, जो भ्रष्टाचार का है। और एक बात मैं आपको और कह दूं, सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, हर जगह गए, इकलौता राजनीतिक दल है जिसके इतने मंत्री जेल में हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच तब होगी कि चुनाव कब है? कितनी बार चुनाव होते हैं देश में बताओ, एक साल में कितने चुनाव होते होंगे? तो फिर तो जांच एजेंसियां काम ही नहीं कर सकती। मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ, वैसे मेरा आप सब मीडिया वालों से एक सवाल है, इस स्मार्ट सिटी के लिए मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया, गया कहाँ जरिंदर का पैसा? मैं यही तो कहता, अरे आप इस आम आदमी पार्टी से सोचेंगे जांच कराएगी जिसको सरकार बनाए? कांग्रेस के टाइम का बात हो, आम आदमी पार्टी के टाइम की बात हो, आप देखिए स्मार्ट सिटी का पैसा गया कहाँ पे, मेरा बड़ा सवाल है। भाई मैं यही कह रहा हूं कि जांच जब दिया राज्य की सरकार को पैसा, लागू उसने करवाना, खर्चा करने के बजाय खाने का काम अगर किया होगा, नुकसान जलंधर का हुआ नहीं हुआ? मैं सड़कों की क्या हालत कर दी? आपकी इच्छा पूरी होगी अगर उसमें जब कोई निर्णय होगा, फिर आप बोलोगे फिर चुनाव चल रहे तो फिर चल। मैंने कहा आपकी मन की इच्छा पूरी होगी, लेकिन तब ये मत कहना इस राज्य का चुनाव है तो जांच क्यों शुरू कर दी। अनुराग जी, 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 अनुरा
देखो जिसने भ्रष्टाचार किया वो बच नहीं पाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला के आ जा रहा हूँ। अनुराग जी, अनुराग जी, एक बार बार बात आ रही है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद पंजाब और आप तीन चार लोगों ने पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कब्जा कर लिया। अनुराग जी, पता चला है कि ऐसी जो बातें चल रही है कि इलेक्शन के बाद, बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत पंजाब में और हिमाचल में अपनी सरकार बनाने जा रही है, मुझे एक बात बताओ, एक बार पहले भी यहाँ पे आरोप लगा ऑपरेशन लूटा, तो आपने दो चार दिन अखबार कर दी भर भर के, फिर आपने टीवी पे भी बोल दिया। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप समय का इंतजार करें, आप चुनाव के बाद की बात करते हैं, हम चुनाव के बाद फिर बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी इकलौता राजनीतिक दल देश में ऐसा है जिसने 1950 में भी जो कहा वो आज पूरा किया है। जनसंघ के टाइम से धारा 370 35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, सीए का कानून बनाया, भव्य राम मंदिर भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर भी खुलवाया, बौद्ध सर्किट भी बनाया, हेमकुंड साहब में रोपवे भी बनाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने लिए विकास भी और विरासत भी, जितने स्थान बने वहां पर पर्यटन को भी बल मिला, रोजगार स्वरोजगार बढ़े, वहां पर रोड हाईवे रेलवे पहले से बेहतर सुविधाएं हुई, वहां स्थानीय लोगों को रोजगार के बहुत सारे अवसर मिले हैं। पहले ये कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे, ये आरोप हमारे ऊपर लगाते थे। जब हमने मंदिर बना दिया, तारीख दे दी, प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, तभी आए नहीं। हाँ, अरे इनका रोज नया कोई ना कोई बहाना होता है, अब कहाँ छोड़ दीजिए, अब तो आप पहचान गए इनको, अब तो इनका देश असली चेहरा जान गया। देखिए, यूपीए का चोला उतार के इंडी का चोला पहना होगा, है पीछे सब भ्रष्टाचारी है। धन्यवाद।